दोस्तों, मैं हूं जयदी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। आई एम प्रीटी श्योर सर्दियां आ चुकी हैं और सारे पेरेंट्स इसी बात की टेंशन में आते होंगे कि बच्चों को सर्दी खांसी से कैसे बचाया जाए। बिकॉज हम सब जानते हैं सर्दियों का मौसम आते ही बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर बढ़ती उम्र में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ते रहे वो और किसी तरह के इलनेस का शिकार होते रहे तो बच्चों की इम्यूनिटी में तो रुकावट मतलब प्रॉब्लम होता ही है, इफेक्ट होता ही है। साथ ही साथ उनके ग्रोथ में भी रुकावट आती है, राइट? क्योंकि बॉडी उनके ग्रोथ पे ध्यान देने से ज्यादा टाइम जो है उनके इलनेस को ट्रीट करने में लगा रहा है। सो हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं उसके बॉडी सिस्टम का पूरा ध्यान उसके ग्रोथ के तरफ हो। इसलिए हमें बच्चों को इतना स्ट्रांग करना होगा, अंदर से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना होगा कि वो सर्दी खांसी से बचे रहें। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देना है ध्यान उनकी डाइट पे। तो इसके पहले भी मैंने 1 से 2 साल के बच्चों के लिए डाइट फूड का पूरा वीडियो बनाया हुआ था। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये उसका एड ऑन बोल सकते हो आप, क्योंकि ये 1 से 5 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है? तो इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो फूड आइटम्स के बारे में जो आपको बच्चों को देना है, डाइट जो बच्चों को आपको देना है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स घरेलू नुस्खे आई वुड से जिससे आप बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से बचा सकते हो, ठंड से बचा सकते हो और बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग कर सकते हो। शिवन्या जो मेरी बेटी है वो 3.5 साल की है, सो ऑफकोर्स ये पूरा जो डाइट है उसी का डाइट चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? सो किस तरह का खाना देना, सबसे पहले सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आपको फोकस करना है क्योंकि उसमें वो इस मौसम में एकदम फ्रेश आएगा, राइट? उसमें भरपूर मात्रा में विटामिंस, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन सब मिल जाएगा, राइट? तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको गरम तासीर वाला खाना जरूर देना। अब गरम तासीर वाला खाना आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, जिनको इसका मतलब नहीं पता उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, वो खाना जो बदन को गर्माहट देता है, ओके? तो जब आप वो खाना खाते हो तो शरीर को गर्मी मिलनी चाहिए, वैसा हमें खाना बच्चों को देना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है बादाम वाला दूध। तो वैसे देखा जाए तो शिवन्या मतलब मेरी बेटी जो है वो सोक्ड बादाम भी रेगुलरली खाती है, तो मुझे उसको एज सच कोई बादाम में स्पेशली डालकर देना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हो कि मैं हमेशा अपने पास से घर में बनाया हुआ ये बादाम वगैरह का जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका पाउडर रखती हूँ और मैं एवरी 15 डेज में उसे बनाती हूँ और उसी को शिवन्या के दूध में मिलाकर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स पाउडर के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अभी हम बादाम दूध की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर वगैरह नहीं बनाया तो आप क्या करो, जब बच्चे के लिए दूध उबाल रहे हो ना तभी इसको हल्का सा मतलब जब दूध आपने निकाल लिया उसके बाद आप ठंडे होने के लिए थोड़ी देर रखोगे, राइट? तो इसमें क्या करो, 3 से 4 बादाम लो और उसको जैसे अपन चाय में जिंजर अदरक कस के डालते ना, वैसे ही आप इसको ऐसे ग्रेट करके ना उस दूध में डाल दो और उसको जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक वो दूध में ही फूल जाएगा, राइट? अगर आपको इस बादाम के दूध का जो शक्ति है, जो पावर है वो बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो पता है, इसमें 2 से 3 स्ट्रैंड ऑफ केसर भी डाल दो उसी टाइम पे जब वो गर्म है। वो ठंडा होता जाएगा तब तक वो जो भी आपने उसमें डाला ना वो उसमें मतलब फूल भी जाएगा, उसका सारा जो गुण है वो उस दूध में आ जाएगा, राइट? सो होता क्या है, ये जो बादाम और केसर है ना ये बच्चे के स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। दोस्तों, बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है जो कि बच्चों के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है और उसके साथ साथ इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी वजह से ये बच्चों को अंदर से गर्माहट देता है, दोनों केसर भी और बादाम भी। अगर आप चाहते हो कि इसका थोड़ा और आप बढ़ा दो तो आप ना इसमें इलायची भी कूट के डाल सकते हो, इलायची भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंडक है या आपके बच्चों को ज्यादा ठंड पकड़ती है तब ना इसमें एकदम चुटकी भर काला मिर्च जो होता है, एकदम चुटकी भर क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो एकदम चुटकी भर डाल दो एंड जब वो दूध एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद आप अपने बच्चे को दे दो। हाँ, ऑफकोर्स अगर आपके बच्चे को इसका टेस्ट पसंद नहीं हो रहा तो उसका फेवरेट जो चॉकलेट पाउडर होता है ना वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आपका मेन इंटेंशन क्या, ये सारी चीजें उसके अंदर पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच जाएगी भले भी किसी टेस्ट फ्लेवर के साथ पहुंचे, राइट? ओके, ये स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हम सब जानते हैं, राइट? केसर और बादाम दोनों के दोनों स्किन हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है बादाम दूध, ओके? उसके बाद ड्राई फ्रूट पाउडर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बनाया ड्राई फ्रूट्स पाउडर ना, एक बार आप बना लो 15 दिन चलता है। आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाना बहुत आसान है और ये सर्दियों में देना सिर्फ बच्चों को ही नहीं घर के सभी सदस्यों को बहुत जरूरी, लेकिन हम लोग क्या, हम बड़े हैं, हम मुट्ठी भर लेकर भी खा सकते हैं लेकिन बच्चों को वो नहीं जमता। तो वो क्या कर सकते हो, आप पाउडर बना के रखो और 1 चम्मच, या बच्चा अगर 4 साल 5 साल का है तो 2 चम्मच उनके दूध में मिला के उनको दे दो। अगर वो ऐसे ही खाना पसंद करे, जैसे मैं शिवन्या को क्या करती हूँ, कस्टर्ड वगैरह होता है ना
उसमें डाल के दे देती हूँ, और कस्टर्ड में उतना ठंडा नहीं करती हूँ लेकिन उसे पसंद है तो उसमें डाल के मैं उसको दे देती हूँ। कभी खीर बनाया ना, उसमें पूरा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के दिया। किसी भी तरह से ड्राई फ्रूट पाउडर जो है रोज उसको उसके अंदर जाना ही चाहिए, 1 से 1.5 चम्मच, ज्यादा नहीं। आपको पता है ड्राई फ्रूट, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को अगर आप मिलाते हो सारे, सो ये सब में ना विटामिन ए, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सब होता है। इसलिए बच्चों की इसमें ना हड्डियां भी मजबूत होती है, सो आप इम्यूनिटी के साथ साथ उनके हड्डियों की मजबूती पे भी ध्यान दे रहे हो, राइट। इसमें गर्माहट तो होती है, ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं हम सब जानते हैं, राइट। तो 1 चम्मच बच्चों को आप दे दो, काफी है, और राइट। उसके बाद 1 अंडा रेगुलरली उनको देना है। ऑफकोर्स जो आप लोग डेज मानते हो गे, कुछ लोग कुछ कुछ दिनों में नहीं खाते हैं नॉनवेज, तो उनकी बात उस दिनों की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी हर रोज कम से कम 1 बॉइल्ड अंडा तो बच्चों को जरूर से जरूर दो, और सर्दियों के मौसम में तो डेफिनेटली दो। आप इसे स्क्रैम्बल्ड एग करके दे सकते हो, आप इसे ऑमलेट करके दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चों मुझे लगता है कि उनको बॉइल्ड अंडा ही पसंद होता है। उस पर थोड़ा सा काला मिर्च भी छिड़क दो, या फिर नमक हल्का सा एकदम छिड़क दो, एकदम हल्का काला नमक, ओके, नो नमक। मैं बच्चों को नमक चीनी नहीं देती हूँ, सो इसीलिए नो नमक, बट आप अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है, जो कि बच्चों के ऑफकोर्स इम्यूनिटी तो बढ़ाता है, या तासीर गर्म होती है, लेकिन साथ साथ स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज स्टीम्ड ग्रीन वेजिटेबल्स। सो ब्रोकली जो होता है आपने देखा होगा, गोभी के शेप का छोटा छोटा होता है एकदम हरे रंग का, तो इसको ना आप हल्का सा यू नो स्टीम करके थोड़ा सा उस पर नमक और काली मिर्च डाल के ना बच्चे को दे सकते हो, या तो इसकी सब्जी बना दो, लेकिन ज्यादा मसालों के साथ नहीं, वरना इसका जो अपना पावर हाउस है ना ये वो खराब हो जाता है, सो दैट वी डोंट वांट, राइट। सो आप ये दे सकते हो, ठीक है। आप ये आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, ठीक है, लौकी हो गया, ये सब आप बच्चों को आराम से दे सकते हो। उसके बाद आता है वेजिटेबल सूप। तो नॉर्मली ना जैसे क्या हो गया, आपने गाजर ले लिया, ठीक है, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, जो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, पीज हो गया छोटे छोटे, ठीक है, इन सबको ना पानी में अच्छे से आपने सूप बना लिया, और उसके अंदर ना आप चाहो तो थोड़ा पनीर डाल दो, अगर चिकन वगैरह बना रहे हो आप तो चिकन सूप दे दो, या चिकन के ही कुछ पीसेस अलग से बॉईल करके इस सूप में भी डाल सकते हो। आप डायरेक्टली इस सूप में मत डालना, अदरवाइज वो चिकन की जो रॉ स्मेल आती है ना उससे वो सूप खराब हो जाता है, मेरा एक बार हो चुका है इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूं। तो अलग से उसको बॉईल करके 2-3 पीसेस जो भी होंगे ना वो इस सूप में डाल दो, और वो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें टेस्ट के लिए आप थोड़ा काला मिर्च और यू नो नमक डाल सकते हो। हाँ, इस वेजिटेबल सूप में आपको जिंजर और गार्लिक दोनों थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके एकदम कीस के, जिसका गुण अंदर जाना चाहिए, मुंह में ना लगे वरना बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। बहुत जरूरी होता है जिंजर और गार्लिक दोनों, ठंड के मौसम में खाना बहुत अच्छा होता है, इससे आपके हेल्थ को भी बहुत फायदा मिलता है। हलवा, गाजर, बादाम, सूजी, रागी, इन सब में से किसी का भी आप हलवा बनाओ, बेसन का हलवा बनाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ों का हलवा बनता है, तो इन ये जो हलवा होता है ना ये गरम गरम खाने दो, बच्चों को इसका पूरा फायदा मिलता है। इससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बच्चों को इससे ताकत मिलता है, स्पेशली गाजर और जो बादाम का हलवा बोलते हैं हम लोग वो खाने से। तो अगर आपको ये बनाना आता है तो प्लीज़ बनाओ, नहीं तो सीख लो। गाजर का हलवा तो बहुत आसान है और सूजी का हलवा तो बहुत ही आसान है, तो ये आप बनाओ और बच्चों को रेगुलरली खिलाओ। इसके अलावा गुड़ और मूंगफली, अब इसकी ना पट्टियाँ भी आती हैं गुड़ और मूंगफली की, सो अगर आपको वो मिल रहा है तो वो दो, अदरवाइज सिर्फ गुड़ और मूंगफली भी, लेकिन मूंगफली ज़्यादा मत देना क्योंकि मूंगफली में ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई होती है जो बच्चों को पचाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट। और मूंगफलियाँ गर्म भी होती हैं, सो ये ज़्यादा मत देना, लेकिन आप ये बच्चों को आराम से दे सकते हो। नॉन वेज ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, मटन, ये सब आपको बच्चों को डेफिनेटली देना है। दोस्तों सर्दियों के मौसम में बच्चों को जितना डेयरी प्रोडक्ट दो ना वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना स्किन से मॉइस्चर उड़ता रहता है, राइट। बहुत जल्दी स्किन रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, दैट वी डोंट वांट। सो आप क्या कर सकते हो ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, ये सब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दो। बच्चों के खाने में घी, एवरी सिंगल मील में उनके घी होना चाहिए, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, या बीच में अगर स्नैक्स टाइप भी जैसे मखाना वगैरह वो खा रहे ना तो उसको घी में ही आपको फ्राई करके बच्चों को देना है। ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों के अंदर के हेल्थ के लिए नहीं, बाहर के स्किन और हेयर और आई साइट एवरीथिंग के लिए बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ ये पूरे लिस्ट को आप लिख लो, और ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन दो तो दूसरे दिन आपको कुछ और ही देना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप रेगुलर खाने में ऐड कर सकते हो। अंडा आप उनको रोज दे सकते हो, ड्राई फ्रूट पाउडर
आप उनको रोज दे सकते हो, राइट, दूध तो देते ही हो तो उसमें बादाम इलायची और केसर भी मिला दो, तो ये बहुत सिंपल है। वेजिटेबल सूप शाम का स्नैक्स में आप वेजिटेबल सूप कर दो, सिर्फ बच्चा ही नहीं पूरी फैमिली मिलकर इसे एंजॉय करेगी और ठंड से बचेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कल का हमारा एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल हम बच्चों के स्किन केयर के बारे में बात करने वाले हैं, विंटर स्किन केयर के बारे में, जिसमें मैं आपसे वो कुछ उपटन या कुछ तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे हम शिवन्या को रोज नहलाते हैं, जिससे उसका स्किन, उसका हेयर अच्छा रहता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सर्दियां आ गई हैं, सो एंजॉय करो सर्दियां, लेकिन अपना अपना ध्यान भी रखो, ठंडी ठंडी से बचो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।